32 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से दो बंदूकें दागी गई, ठीक है, लेकिन उस जगह से दूर जा रहे ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति ने एक के 35 मिनट के बाद, ठीक है, देखिए मतलब पहले के 35 मिनट के बाद दूसरी फायरिंग सुनी। यदि ट्रेन की गति दिया हुआ है कितना, 97.2 किलोमीटर पर आवर, ध्वनि की गति ज्ञात करें, ठीक है, ध्वनि की गति ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है जी, पिछला बार बताया था ना, वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। दिमाग कैसे लगाना है उस पर ध्यान दीजिए सबसे पहले। चलिए देखिएगा, ठीक, 32 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से दो बंदूकें दागी गई, ठीक, फिर क्या बोला गया, लेकिन उस जगह से दूर जा रही ट्रेन, ठीक है, देखिएगा समझिए, यहां पर एक बंदूक लेकर के आदमी खड़ा है, ठीक, और यहां से बंदूक का गोली क्या कर रहा है, दाग रहा है, ठीक। पहला गोली दागा, आदमी को सुनाई देता है कितना मिनट के अंतराल पर सुनाई देता है, 32 मिनट, ठीक, हर 32 मिनट के अंतराल पर उसको सुनाई देता है। अगर ये यहीं पर खड़ा होता तो हर 32 मिनट के अंतराल पर उसको क्या देता, सुनाई देता, ठीक। लेकिन हुआ क्या सर, वो इधर भाग रहा है, इधर, ठीक है, जैसे ही अगला गोली वो सुना, वो दौड़ के भागने लगा इधर, ठीक, इधर भागने लगा। जैसे ही पहला आवाज अभी सुना ना, तो अबरी क्या हो गया, ये इधर भागने लगा। तो फिर अबरी जो 32 मिनट के अंतराल पर सुनाई देना था उसको, तो अबरी किस अंतराल पर सुनाई दिया है, 35 मिनट के अंतराल पर सुनाई दिया है, ठीक। इसका मतलब जो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये गोली क्या हुआ, ट्रेवल एक्स्ट्रा कर गया है ना, है ना। ये गोली पिछला बार क्या था ना, कि गोली ट्रेवल कम करता था, क्यों, क्योंकि यह व्यक्ति इधर ही भागता था, आदमी के तरफ ही भागा करता था, बताए थे ये वाला। लेकिन अबरी क्या हो रहा है, उल्टा भाग रहा है। सर पिछला क्वेश्चन जो बताए थे इस पर ध्यान दीजिए, देखिएगा, रुकिए, क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, यही लो देख लीजिए, ठीक है, इसको देखिए, ये दोनों में फर्क क्या है, ये देखिए सर, 32 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से दो गोलियां दागी जाती है, ठीक है, लेकिन एक ट्रेन में बैठा राजू पहली गोली की आवाज के 11 मिनट 30 सेकंड के बाद उसको सुनाई देता है, 11 मिनट 30 सेकंड के बाद उसको क्या बोलता है, सुनाई देता है, ठीक है। सर दागा जाता है हर 12 मिनट के बाद, इसको और भी कम टाइम में क्यों सुनाई देता है, क्योंकि वह जो गोली दागा है उसी के तरफ वो आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है। लेकिन सर इसमें क्या है, इसमें सर देखिए दागता है 32 मिनट के अंतराल पर, लेकिन सुनाई देता है इसको 35 मिनट के अंतराल पर, क्यों, क्योंकि ये दूर जा रहा है, ये ना मतलब हुआ, ठीक है। सर इसका मतलब क्या हुआ, ये दूर जा रहा है, देखिए, तो सर गोली को जो है ना, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ, एक्स्ट्रा चलना पड़ा, ठीक है सर, एक्स्ट्रा चलना पड़ा। कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ा, गोली का जो स्पीड है जो कि हम लोग को निकालना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, कितना मिनट डिस्टेंस, 3 मिनट का, यही ना मतलब हुआ। सर x यहां देखिए, यहां से यहां तक का आपका सर डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सर पिछला बार जो यहां से यहां तक का व्यक्ति का जो स्पीड था वो कैसे निकाले थे हम लोग, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किए थे। सर यहां से यहां तक का देखिए अबरी क्या किया है, ये स्पीड आप लोग को दे दिया है, ठीक है। सर डिस्टेंस यहां से यहां तक का क्या है, आपका डिस्टेंस है आपका x मीटर पर सेकंड लिए हैं। सर टाइम कितना है आपका तीन मिनट। सर ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है,
इसको जो युवक है, युवक कितना मिनट में तय कर रहा है यहां से यहां तक? सर 35 मिनट में तय कर रहा है, 35 मिनट में तय कर रहा है सर। डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, और वही ट्रेन का स्पीड कितना दे दिया है, 97.2 किलोमीटर पर आवर ये दे दिया है। सर ये था पूरा का पूरा डिस्कशन, समझे? ये पूरा का पूरा डिस्कशन था। आप लोग को हम वापस रिवाइज करवाते हैं, वरना ये क्वेश्चन आप लोग का खून पी जाएगा, ठीक है? यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन को ले रहे हैं, ठीक है? एकदम छोटा करके हम दोनों क्वेश्चन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तब जा करके आप लोगों को समझ में आएगा। एक ये क्वेश्चन था आपका, और एक ये क्वेश्चन, ठीक है? ये दो क्वेश्चन है आपका। अब ये दोनों क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, ठीक है? और ये दोनों क्वेश्चन में भेद बताइए क्या है, और दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान दीजिए, ठीक है? दोनों क्वेश्चन में फर्क देखिए, फर्क फर्क क्या है, ठीक है? दोनों क्वेश्चन में फर्क देखिए। हम इंग्लिश को ढक दे रहे हैं, ठीक है? दोनों क्वेश्चन में फर्क देखिए, तब जा करके आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन दिमाग में आप लोग का बैठेगा, क्या दिया हुआ है देखिएगा, ठीक है? 6 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से 2 बंदूकें दागी जाती है, ठीक है? हर कितना मिनट के अंतराल पर दागा जा रहा है? 6 मिनट में। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये बोला था, हम यहाँ पर युवक हैं, ठीक है? निर्मल वहाँ से गोली दाग रहे हैं, ठीक है? हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हर बार हमको 6-6 मिनट के अंतराल पर सुनाई दे रहा है, ठीक है? लेकिन अभी क्या हुआ, निर्मल गोली हो चुकी है कि देखें भाई कौन आदमी गोली दाग रहा है बार बार, है ना? तो जैसे ही निर्मल गोली दागे, ठीक है, अबरी नेक्स्ट गोली हमको कितना मिनट में सुनाई दिया है, नेक्स्ट गोली सुनाई दी है आवाज 5 मिनट 52 सेकेंड में। क्यों? क्योंकि अबरी गोली दागने से पहले क्या हुआ, हम वहां पहुंच गए, ठीक है? ये पहुंच गए। सर ध्वनि का गति है ये, ध्यान रखिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, हर किसी की समझ में नहीं आता है ये वाला क्वेश्चन, समझे? तो हम गोली के तरफ जा रहे हैं ना, क्या हो रहा है, हम गोली के तरफ जा रहे हैं, तो हमको थोड़ा पहले सुनाई देगा, है ना? तो यहाँ पर कहानी क्या बोला जाता है कि मेरा जो स्पीड है, समझिए, ध्वनि को आना था यहाँ तक, ठीक है? ध्वनि को आना था यहाँ तक, ठीक है? लेकिन हम जब वहाँ चल गए, तो ध्वनि का वहाँ से लेकर के यहाँ तक, गोली का जो आवाज़ है वहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है, वो ध्वनि के बदले हम चल दिए, वो क्या हुआ, हम चल दिए ना, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? सर दूरी है, ध्वनि का स्पीड कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड, है ना? ये है ध्वनि का गति, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक ध्वनि कितना सेकेंड में तय करता है, 8 सेकेंड में तय करता ना, है ना? अगर सपोज दैट कि हम वहाँ पर नहीं जाते, हम यहीं पर रहते, तो ध्वनि उस गति को, ठीक है, उस दूरी को कितना सेकंड में तय करता है, 8 सेकंड में तय करता है ना, वही 8 सेकंड का दूरी हम तय कर दिए हैं, ठीक है? तो सर ये मीटर पर सेकंड इसका है, तो डिस्टेंस क्या है, इनटू 8 सेकंड करेंगे, ठीक है? ये क्या आ गया, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ध्वनि का, ठीक है, पहला गोली के बाद दूसरा गोली का आवाज हमको कितना मिनट में सुनाई दिया है, 5 मिनट 52 सेकंड में सुनाई दिया है। इसका मतलब 5 मिनट 52 सेकंड तक हम चले होंगे, है ना? तो 5 मिनट 52 सेकंड तक चले होंगे, 5 मिनट का मतलब कितना हो गया आपका, 352, मतलब कि हम 352 सेकंड तक हम चले होंगे, सॉरी 352 सेकंड तक हम चले होंगे, है ना? समझिएगा,
पहला गोली अगर हम वहीं पर, समझिए, अगर हम वहीं पर खड़े होते तो हमको गोली का आवाज हर 6 मिनट पर सुनाई देता है ना। हम चल गए, इसीलिए मेरा जो ध्वनि का दूरी जो है, ठीक है, उसको कौन ट्रैवल कर गया? हम ट्रैवल कर गए। ध्वनि का कितना दूरी ट्रैवल कर गए? ध्वनि जो 8 सेकेंड में तय करता, उस दूरी को कौन ट्रैवल कर गया है? हम ट्रैवल कर गए, ठीक है। तो कितना ट्रैवल किए हैं? ध्वनि सर 330 मीटर पर सेकेंड चलता है, तो 8 सेकेंड में कितना दूरी जाता है? इसको मल्टीप्लाई करके उतना ही दूरी जाता ना। उस दूरी को कौन चल गया है? हम चल गए हैं। उस दूरी को हम चल गए हैं, और हम कितना टाइम में उसको चले हैं? पहला गोली चलने के दूसरा गोली चलने पर हमको कितना मिनट के बाद सुनाई दिया है? 3 मिनट 52 सेकेंड के बाद सुनाई दिया है। इसका मतलब 3 मिनट 52 सेकेंड तक हम चलते रहे होंगे, तब दूसरा सुनाई दिया होगा, है ना। इसका मतलब जो गोली ये चल रहा है, गोली का ये दूरी, हम कितना सेकेंड में चल रहे हैं? 352 सेकेंड में चल रहे हैं। इसीलिए डिवाइड करने पर आपका क्या आएगा? सर मेरा, है ना, किसका? उस जगह से उस व्यक्ति का, उस मैन का आपका क्या आएगा? स्पीड आएगा, ठीक है। ये जो गोली का डिस्टेंस, ठीक है, गोली का डिस्टेंस वह आदमी कितना सेकेंड में तय कर रहा है? 352 सेकेंड में तय कर रहा है। समझ में आया अच्छा से कि ये क्या लिखे हैं? सो ठीक है, नेक्स्ट समझिए। सर ये दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है? दिमाग लगेगा इसमें। ये सब क्वेश्चन आपका रेयर से रेयर क्वेश्चन है, हम पहले बता दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके जब तक कंपटीशन का आप एग्जाम दें तब तक ये क्वेश्चन ना आए, है ना, आपका आने वाला 3-4 पीढ़ी बाद क्वेश्चन आए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन सीखना जरूरी है ताकि आप लोग का दिमाग खुले, समझे। हर बार इजी, जब आखिरी आपका आज आखिरी को आखिरी है ये दिन, ठीक है, टाइम स्पेस डिस्टेंस का आखिरी आज दिन है। थोड़ा ऐसा ऐसा क्वेश्चन कर लीजिए जो कि रेयर में कभी कभी आ जाता है, समझे। देखिए तो सर ये दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों में फर्क ये है, अब यहां देखिए, है ना, देखिए 32 मिनट के अंतराल पर, समझिएगा मेरा बात को, हम लोग किसका स्पीड निकाले हैं? व्यक्ति का स्पीड निकाले हैं ना, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए व्यक्ति मतलब ट्रेन का, अबरी ट्रेन का स्पीड में दे देगा आपको। ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा हुआ है तो ट्रेन का जो गति होगा वही ना व्यक्ति की गति होगा, है ना। अब ऐसा नहीं बोल दिया कि ट्रेन में अलग है ना। बहुत भयानक क्वेश्चन है ये, फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, रिलेटिव स्पीड, है ना। आइए निकल गया। देखिए दो टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप लोग जब एग्जाम दीजिएगा ना तो फिजिक्स में दो टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ देखिए, बाप रे पीछे जगह बना था ना, है ना। देखिए आप पहला क्वेश्चन क्या आता है, रिलेटिव स्पीड मतलब क्या होता है? देखिए अगर एक आदमी, अगर दो आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, जैसे हम और निर्मल ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और मृत्युंजय का गांव है, मृत्युंजय हम लोग को हाथ ऐसे से हिलाने के लिए बाहर खड़े हैं, ठीक है। तो हमको ये बताइए कि हम और निर्मल, ठीक है, जो ट्रेन से क्रॉस करेंगे, ट्रेन का जो स्पीड होगा क्या वही हम लोग का स्पीड होगा, है ना। गलत जवाब है ना, गलत जवाब है ना, है ना। जवाब, पूरा जवाब क्या है बताएं? ट्रेन का जो स्पीड होगा वही स्पीड मेरा होगा, ठीक है, हम लोग दो, मेरा और निर्मल का होगा। लेकिन सर ये तो पूछिए कि किसके रिस्पेक्ट में होगा, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एएलपी में आया हुआ है, रेलवे का एएलपी में आया हुआ है, ठीक है। क्या निर्मल, हम और निर्मल एक साथ खड़े हैं, है ना, क्या हम लोग दोनों, हम और निर्मल, निर्मल के मुकाबले मेरा स्पीड क्या है? निर्मल साथ में खड़े हैं, हम भी साथ में खड़े हैं दोनों का, क्या निर्मल क्या बोलेंगे कि नहीं सर आप, निर्मल क्या बोलेंगे कि सर आप चल रहे हैं क्या? निर्मल के मुकाबले तो हम खड़े हैं ना,
मृत्युंजय वहां से बोलेंगे कि सर आप लोग दोनों का स्पीड क्या है, ट्रेन के स्पीड के बराबर है। लेकिन जो जो बंदा उस ट्रेन में होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग का स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। हम लोग का स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्पीड उसको बोला जाता है, समझे। बहुत लोग मार करके आया होगा, बहुत लोग मार के आया था उसमें, समझे। तो ये हटाइए। लेकिन यहाँ पर खाली क्या बोला जा रहा है कि ट्रेन का जो स्पीड होगा वही व्यक्ति का भी स्पीड होगा, ठीक है। चलिए, ये था आपका परसों वाला क्वेश्चन। तो सर इसमें और इसमें ये क्वेश्चन में फर्क क्या है, देखिए 32 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से दो बंदूकें दागी गई। सर 32 मिनट के हर बार हम क्या हो रहा है ना कि निर्मल वहां से बंदूक दाग रहे हैं और हम बार बार हर 32 मिनट के अंतराल पर सुन रहे हैं, है ना। तो अब निर्मल पहले बंदूक खाली आवाज आई थी, अभी दहाड़ दिए अचानक, ठीक है। तो हमको लगा क्या कि लगता ज्यादा खुखार हो गए, कहीं दौड़ाई ना लगे, है ना। तो क्या हुआ कि अब निर्मल को हम देखने छोड़ करके कौन बंदूक चला रहा है, हम उनके उल्टा भागने लगे, है ना। तो सर अगर उल्टा भागने लगे तो कुछ फायदा होगा ना हमको, हाँ सर। पहले जो गोली था वो हर 32 मिनट के अंतराल पर सुनाई देता था, अब कितना मिनट के अंतराल पर सुनाई दे रहा है, 35 मिनट के अंतराल पर सुनाई दे रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम उससे दूर भाग रहे हैं, है ना, हम उनसे दूर भाग रहे हैं, है ना। तो जो गोली है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, जो गोली है उसको कितना एक्स्ट्रा सेकेंड चलना पड़ा, सर 3 सेकेंड एक्स्ट्रा चलना पड़ा ना, है ना। मतलब सर यहाँ समझिएगा, ठीक है, सॉरी 3 मिनट है ना, 3 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ा। 3 मिनट एक्स्ट्रा क्यों चलना पड़ा, क्योंकि हम भाग गए इधर, है ना। तो जो गोली का दूरी है, गोली का सपोज दैट कि गोली का जो स्पीड है ध्वनि के साथ, ध्वनि का जो स्पीड है वो मान लेते हैं एक्स मीटर पर सेकेंड है, क्या है आपका, एक्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ध्वनि जो 3 मिनट में तय किया है, कितना मिनट में तय किया है, 3 मिनट में तय किया है, 3 मिनट में तय किया है उसको हम, ठीक है, ये डिस्टेंस को हम तय किए हैं ना, है ना, ये डिस्टेंस को हम तय किए हैं। ध्वनि को तय, ध्वनि कितना तय करता, एक्स मीटर पर सेकेंड से कितना मिनट तक तय करता, 3 मिनट तक तय करता। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कितना मिनट में तय किए हैं, 35 मिनट में तय किए हैं, क्योंकि वहां पर जब खड़े थे हमको गोली हर 32 मिनट के अंतराल पर सुनाई दे रहा था। जैसे ही वो गोली दागे, हम 35 मिनट तक जैसे ही यहां पर आए, हमको दोबारा सुनाई दे दिया, है ना। मतलब कि वहां से यहां तक हम 35 मिनट तक चले हैं, है ना, 35 मिनट तक चले हैं, 35 मिनट तक चले हैं, और गोली को यहां से यहां तक आने में वहां 32 मिनट पर हमको सुनाई दे रहा था, यहां कितना मिनट सुनाई दे रहा है, 35 मिनट में सुनाई दे रहा है। गोली को 3 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ा है। सर गोली का जो स्पीड था उसको तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये डिस्टेंस पहला के बाद दूसरा हमको कितना मिनट में सुनाई दिया है, 35 मिनट में सुनाई दिया है। तो ये डिस्टेंस जो गोली ट्रैवल किया है, समझिएगा मेरा बात को, जो गोली डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, ट्रैवल समझिएगा, जो गोली डिस्टेंस को ट्रैवल किया है उसको हम कितना मिनट में ट्रैवल किए हैं, 35 मिनट में हम ट्रैवल किए हैं, 35 मिनट में हम ट्रैवल किए हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय टाइम ये हम ट्रैवल किए हैं ना 35 मिनट में, तो मेरा ये क्या निकलेगा, मैन का आपका क्या निकल जाएगा, ये स्पीड, है ना। और यही मैन का स्पीड आपका क्या हो गया है, दे दिया है 97 पॉइंट। समझ में आया, दोनों में फर्क समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो घबराइएगा मत, ये सब रेयर क्वेश्चन है, अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एग्जाम में हो सकता है कि ये ना आए, 97.2 है ना, ठीक है। देख इसका स्पीड आपका क्या दे दिया है, 97.2 सर किलोमीटर पर आवर। आपको पूछा किसमें स्पीड, किसने पूछा है, मीटर पर सेकेंड ने पूछा है, इसीलिए इसको किसमें ले लिए, मीटर पर सेकंड में ले लिए, ठीक है। सर ये मिनट से ये मिनट गया, ये मिनट ही था ना, मिनट से मिनट गया। सर ये किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
और ये कितना है आपका x, ठीक है, x आपका आ गया, ठीक है, x आपका आ गया मीटर पर सेकेंड। जो x निकलेगा वो मीटर पर सेकेंड में ही आएगा आपका, क्योंकि x उसी में लिए थे। और ये कितना है आपका 3/35, ठीक है। तो ये सेकेंड को नीचे ले जाते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 35, ये सेकेंड, इसे हटा दीजिए, जो भी आएगा क्या आएगा आपका, x किसमें लिए थे मीटर पर सेकेंड में ही लिए थे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, नीचे क्या आएगा आपका 10, ठीक है। अब खाली सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको समझ में आया ये वाला, ठीक है, आप समझिए, सॉल्व करते जाइए। 18 का टेबल से 18 5 90, बचा कितना आपका यहाँ पे 7, 18 4 54, सॉरी 72, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और किससे किससे जाएगा, ये 3 से ये जाएगा कितना बार में, 18 बार में, ठीक है, 2 से ये कितना बार में जाएगा, 9 बार में, ठीक है। कितना आ गया 35 और 9, है क्या उतना ऑप्शन में, ओ हाँ है, तो यार ठीक बोला, बड़ा ज़्यादा आ रहा है 315। एक्स किस में निकले थे, मीटर पर सेकंड में ही लिए थे ना, मीटर पर सेकंड, ये वाला। कितना अच्छा से समझाए जी, अब इससे बेहतर क्या समझा सकते हैं, इससे बेहतर तो इंडिया में कोई नहीं समझाया, समझे। अभी क्वेश्चन हो कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भाई ये क्वेश्चन कोई समझाया, इतना बेहतर तरीके से कोई नहीं समझाया, समझे। तो समझ में आया ये वाला, ठीक है, देख लीजिए एक बार, हम छोटा कर दे रहे हैं, दोनों को देख लीजिए, ठीक है। देखिए, पहले व्यक्ति व्यक्ति जो गति जो जितना टाइम चला है, ठीक है, वो तो कर लीजिए, और अगर ट्रिको से कीजिएगा ना, अगर रटी वो कीजिएगा तो रटिएगा कैसे पता, ठीक है। ध्वनि का वेग इंटू जो टाइम डिफरेंस है वो डिस्टेंस कर लीजिएगा, बटा इसको कर दीजिएगा आंसर, ठीक है। लेकिन यूनिट में कन्फ्यूज हो जाइएगा जी, एग्जामिनर बहुत खदेड़ता है आप लोग को, एग्जामिनर खदेड़ता बहुत है, बहुत परेशान करेगा आप लोग, समझे। अब इसको इतना ही बता सकते थे, घर जा करके पूरा रिवाइज करते रहिएगा, रिविजन करते रहिएगा, तभी जा करके पा लीजिएगा। सुशील अपलोड कर दिए थे वीडियो, हम आप लोग का सारा शनिवार तक वीडियो कल तक अभी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, सारा वीडियो अपलोड है आपका 40 ना, ठीक। आइए लीजिए क्वेश्चन नंबर 40, देखिए एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, देखिए 40 नंबर। एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बसें निकलती है, परंतु बस डिपो से दूर जा रही एक सुंदर सुंदर युवती, है ना, अरे युवती नहीं सुंदर युवती, है ना, ताकि एग्जाम में आदमी अगर पढ़े ना दिमाग घा खराब हो, है ना। सुंदर युवती को हर 24 सेकंड में, हर 24 मिनट में बसें मिलती है, हर 24 मिनट में बस मिलती है, ऐसा क्यों, क्योंकि वो दूर जा रहा है ना, दूर जा रही है। बस सुनिए, बसों की चाल ज्ञात करो यदि युवती की चाल दिया हुआ है, युवती की चाल पहले से ही दे दिया है ना, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा, सुनिए सुनिए खाली सुनिए आप लोग, ठीक है। एक हाँ आइए देखिए, आप एक झटके में आप लोग का ये क्वेश्चन बनेगा, सुनिए क्या दिया हुआ है ना। सर देखिए, सर बस का जो चाल था, ठीक है, बस का जो चाल था, ठीक है, बस का चाल मान लेते हैं, किसने पूछा गया है, बस का चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है। सर बस का चाल मान लेते हैं कि एक्स, देखिए मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, देखिए बस अगर युवती खड़ी होती तो बस उसको हर बार 20 मिनट पे निकलते हुए दिखाई देता, यही ना, है ना, लेकिन वो भी उधर जाने लगी तो हर 24 मिनट पे, मतलब क्या होगा, पहला के बाद दूसरा बस उसको कब दिखाई दिया है, 24 मिनट पर दिखाई दिया है,
मतलब बस को एक्स्ट्रा 4 मिनट चलना पड़ा है, यही ना बात हुआ है ना। बस का गति ये दिया हुआ है, उसको एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ा है, 4 मिनट चलना पड़ा है ना। मतलब कितना अच्छा, देखिए पहला बस गया बोलता हर 20-20 मिनट में दिखाई दे रहा है हमको ना, चल अबरी उल्टा है ना। कितना एक ये कहानी आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा, ये कहानी से पूरा क्लियर हो जाएगा समझे। देखिए कितना ये कहानी ठीक था, उसमें वेग दे दिया था फिजिक्स का। देखिए अगर हम यहाँ पर खड़े हैं हर 20-20 मिनट पे है ना, ऐसे नहीं वो सूर्य वंशन में करता है भाई कैसा है हाथ हिला करके है ना, तो हर 20 मिनट पे दिखाई देता है उसको ठीक है। अबरी क्या हुआ, हर 20 मिनट दिखाई दिया, जैसे ही पहला अबरी अबरी बस पार हुआ ठीक है, हम दौड़ना चालू कर दिए है। तो अबरी जो बस है वो हमको कितना मिनट में दिखाई दिया, 24 मिनट पे दिखाई दिया है ना। मतलब हम चले कितना मिनट है, फिर नालायक लोग सुनो 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 ध्यान दो ठीक है, 24 मिनट चले हैं ना। अरे पहला बस क्रॉस करने के बाद हम 24 मिनट के बाद हमको दिखाई दिया है, तो हम 24 मिनट चले हैं। समझ में आया, सुनिए सुनिए, बहुत कंफ्यूजिंग है और होगा, इसमें कंफ्यूजन होगा, हम ऐसा आप लोगों को दोष नहीं दे रहे हैं, ये क्वेश्चन होगा, कंफ्यूजन होगा ठीक है। चलिए समझिए, समझिएगा ठीक है, देखिए कहानी समझिएगा। हम यहाँ पर खड़े हैं ठीक है, बस निकल रहा है ठीक है। अबरी जहाँ जिधर बस दौड़ रहा था जैसे ही निकला ठीक है, हम दौड़ना चालू कर दिए ठीक। अब निकलने के वो निकल गया ठीक है, उसके निकलने के 24 मिनट के बाद फिर हमको बस दिखाई दिया है ना। मतलब हम 24 मिनट तक भागते रहे है ना, अबरी बस हमको कितना मिनट में दिखाई दिया है, 24 मिनट पर दिखाई दिया है ना। मतलब सर हम कितना मिनट भागे हैं, 24 मिनट, बस कितना एक्स्ट्रा चला है, 4 मिनट एक्स्ट्रा चला है, पहले हमको वही दिखाई देता था, अब हमको आगे दिखाई दे रहा है। मतलब बस का जो गति होगा वो 4 मिनट एक्स्ट्रा चला है, वो डिस्टेंस को हम कितना मिनट में ट्रैवल किए हैं, 24 मिनट में ट्रैवल किए हैं, बस यही जानना था ठीक है। तो सर ये जो डिस्टेंस है इसको हम कितना मिनट में ट्रैवल किए हैं, सर 24 मिनट में ट्रैवल किए हैं। समझ में आया ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये टाइम, ये मेरा स्पीड निकल जाएगा ना, और मेरा स्पीड युवती का, युवती का स्पीड क्या दे दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर, ये दे दिया है इसका स्पीड ठीक है। सर ये मिनट से मिनट गया, इसे हटा दीजिए, एक्स आपका किलोमीटर प्रति आवर में ही आएगा, उसी में लिए थे यूनिट में हम लोग, 6 जाएगा उधर, कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन में है ठीक। निर्मल देखिए तो कौन है, कार्ड दी बताइए, ये आपका आ गया आंसर। समझ में आया ये वाला, अब आप नंबर है हेलो कहाँ पर, कहाँ पर है, अंदर आइए अंदर, कहाँ, नमस्ते आइए आइए।
चलिए अब ये पैटर्न को चेंज करें। अरे बप्पा क्या हुआ, इसको दोबारा से देखिए देखिए देखिए, हर 20 मिनट के अंतराल पर बस निकलती है लेकिन 24 मिनट के अंतराल पर उसको दिखाई देती है। अगला बस 24 मिनट के अंतराल पर दिखाई देती है, तो बस का जो स्पीड है ठीक है, और 4 मिनट में वो जो एक्स्ट्रा दूरी चला है उसको कौन चल गया है, यह युवक युवती चल गई है, सुंदर युवती चल गई है ठीक है। एक बार देखिएगा सीविजन वीडियो में, देखिए बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए हैं, दोबारा देखिएगा अच्छा एक्सप्लेन याद हो जाएगा ठीक है। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं, वरना आज खत्म नहीं होगा, फिर कल सोचें प्रैक्टिस करवाने का इसको। बाप रे ये सब खतरनाक क्वेश्चन में डर क्या लगता है पता है, पूरा क्वेश्चन बताने का अचानक रिपीट। इकतालीस ना, 40 हो गया, 41 नंबर लीजिए। पढ़िए क्या लिखा हुआ, पानी है ना, खत्म हो गया। आया क्या है पता नहीं, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी दिया हुआ है आपका 428 किलोमीटर ठीक है। दो स्टेशन है आपका ए और बी, दो स्टेशन है आपका ए और बी ठीक है, दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है आपका 428 किलोमीटर। कितना दूरी दिया हुआ है, 428 किलोमीटर ठीक। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 6 बजे शुरू होती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है ना। एक ट्रेन स्टेशन ए से शुरू होती है और बी के तरफ बढ़ती है, कितना बजे निकलती है, 6 बजे निकलती है ठीक है, 6 बजे निकलती है। आगे देखिए फिर बोला गया है स्पीड क्या दिया हुआ है, 48 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर घंटा कितना किलोमीटर जा रही है, 48 किलोमीटर जा रही है। आगे लिखा हुआ है देखिए, एक अन्य ट्रेन सुबह 6:20 ठीक है, 6:20 में ठीक है, स्टेशन बी से शुरू होती है ठीक है, और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। मेरा बात को समझिएगा ठीक है सर, ये दोनों के बीच 428 किलोमीटर का दूरी है और अन्य ट्रेन निकला है स्टेशन बी से, ये निकला है ना, कितना किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है, 55 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है ठीक है। सर आगे क्या लिखा हुआ है ये देखिए, कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, ट्रेन किस समय मिलेगी सर, ये 20 मिनट तक एक्स्ट्रा चला है ना ठीक है। पहले ये देख लेते हैं दोनों बी, ये दोनों के बीच ये निकला है कितना बजे, 6:20 देखते हैं, 6:20 पर ये कहां था सर, 20 मिनट चला है ये एक्स्ट्रा, 48 किलोमीटर पर आवर का गति है, 20 मिनट का मतलब क्या होता है, 1/3 आवर, ये मतलब हुआ 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर,
ये कितना बार में गया? सर 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट कीजिएगा, 60 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है? तो ये कितना आ गया? 16 किलोमीटर पर आवर, नहीं 16 किलोमीटर, ठीक है? 16 किलोमीटर गया है 20 मिनट में। सर टोटल डिस्टेंस कितना है? 428। सर ये 16 किलोमीटर चल गया अपना 6:20 तक, ठीक है? तो कितना बच गया आपका? 412 किलोमीटर बच गया, ठीक है? अब 6:20 पर ये दोनों यहां पर खड़ा है, ये यहां पर खड़ा है और ये यहां पर खड़ा है। ए का स्पीड कितना दिया हुआ है यहां पर? इसका पहल का ट्रेन का स्पीड कितना दिया हुआ है? 48 किलोमीटर पर आवर। कितना बजे ये दोनों मिलेगा, मतलब कितना घंटा के बाद मिलेगा, उसमें 6:20 में ऐड कर देंगे उसको। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 412। एक दूसरे की तरफ जा रहा है तो स्पीड क्या होगा आपका? ऐड होगा। 8, 5, 13, ठीक है? 9 और 1, 10। मतलब ये डिस्टेंस आपका है किलोमीटर में, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर से किलोमीटर गया, 103 का टेबल में ये चार बार में आता है, ठीक है? और आवर गया ऊपर, मतलब कि कितना घंटा के बाद मिलेगा? 4 घंटा के बाद मिलेगा। 6:20 बज रहा है, 6, 4, 10 और 20, मतलब 10:20 पर ये लो मिलेगा। समझ में आया? शाबाश। नेक्स्ट मत देखिए आप लोग बार बार इसको। ये सब क्वेश्चन छाटे हैं। 42 नहीं लिखे, थोड़ा सा दिक्कत था उसमें। दो ट्रेन वाराणसी से लखनऊ, ठीक है? दो ट्रेन, इसमें दिक्कत था, आंसर वो सला गलत दिया था, आंसर वो को मिटा करके टाइप करो। हाँ देखिए, दो ट्रेन वाराणसी से लखनऊ, अरे चल रहा है ना अगला, ठीक सर, 11 बजे और 11:30 बजे प्रस्थान करती है। ये प्रस्थान मतलब क्या होता है? स्टार्ट है ना। क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दोनों ट्रेन वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है? क्या रद्दी क्वेश्चन है जी, कितना बार तो बता चुके हैं आप लोगों को। यहां देखिए सर, दो ट्रेन है, ठीक है? पहलका का ट्रेन का गति कितना दिया हुआ? 110। दूसरा का 140। सर पहला ट्रेन, भाई चोर पुलिस वाला, पहला ट्रेन चला है कितना कितना बजे? 11 बजे चला है, ठीक है? आधा घंटा तक चला होगा ना अकेले कम से कम। तो सर 110 किलोमीटर पर आवर है, आधा घंटा में कितना चला होगा? 55 किलोमीटर चला होगा। नालायक लोग, समझ में आया? ठीक, 55 किलोमीटर चला होगा। तो अबरी ये जो बंदा है वो कहां पर होगा? यहां पर होगा, ठीक है? अब दोनों कितना किलोमीटर पर मिलेगा, मतलब अब ये यहां से चलना चालू हुआ और अगला भी यहां से चलना चालू हुआ, है ना? अब दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? 55। मतलब ये जो जितना 140 किलोमीटर प्रति आवर जिसका स्पीड है, वो इसके मुकाबले, ये चोर के मुकाबले 55 किलोमीटर अधिक चलेगा। दिमाग में ये आया है ना? तो नहीं था वही वाला कि चोर चोरी किया, 55 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस था, देखा ले भागना चालू किया, फिर आगे गया, है ना? ये सही है। तो सर यहां से चालू हुआ दोनों भागना, और जहां पर ये इसको पकड़ेगा, ठीक है, बोलेगा धप्पा, पकड़ लिया इसको,
है ना, तो ये पकड़ लिया। तो सर यहां से चालू करके यहां तक टाइम कांस्टेंट है, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है ना। तो सर स्पीड का रेशियो क्या है आपका, चोरवा का पुलिस का 140 का स्पीड और ये कितना है आपका 110 का स्पीड, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये जो आपका स्पीड का रेशियो है यही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। ज्यादा कौन चला है, ये चला है ना, एक साथ शुरुआत होने के बाद ज्यादा कौन चला है, ये चला है पुलिस, ठीक है। तो सर ये कितना यूनिट है, 3 यूनिट, यही कितना दे दिया है, 55 किलोमीटर अधिक चला है, ठीक है। वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी मिलेंगे, वाराणसी तो यहां पर था ना, है ना, मतलब कि एक यूनिट कितना हो जाएगा बटा 3, ये 3 जाएगा नीचे, ठीक है। निकालना कितना यूनिट है, 14 यूनिट, इंटू किससे कर देंगे, 14 से हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा आपका, 10 से कीजिए कितना, 550, और 55 को 4 से कीजिए 220, ठीक है, 550 और 220 770 बटा 3 होगा ना, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कीजिए, 3 × 2 = 6 बचा 1, ठीक है, 3 × 5 = 15, ठीक है, 2 × 5 कहां पर है, एक की जगह ही है, यहां पर भी है, बचा कितना 2, ठीक है, कितना 6 × 2/3 आगे आंसर ये वाला। तब समझ में आया, नेक्स्ट करें, बुझाया है ना, अचानक पूछा हाँ हूं। क्वेश्चन नंबर 44, आखिरी पैटर्न पूरा का पूरा आपका चैप्टर कर लीजिए और यही अंत है, इसके बाद कुछ उप क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देंगे, यह है चैप्टर का अंत। बहुत अच्छा दिन चला है आपका, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, नया चैप्टर चालू करेंगे सरस्वती माता की पूजा के बाद, कल आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, कल पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। जितना भी बुक ला सकते हैं वो बुक लाइए, है ना, इंडिया का जितना बुक पैदा हुआ है सारा बुक लाइए, ठीक है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस का जितना क्वेश्चन आज तक बना होगा वो सारा क्वेश्चन लाइए, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो शुरू से बने होंगे, तो बीच में रिवाइज नहीं किए होंगे उसका हम नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ, आप ये क्वेश्चन लेकर के आइएगा तो बोलिए कि हाँ सर देखिए तो ये क्वेश्चन आप नहीं करवाएं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम क्वेश्चन नहीं करवाएं, है ना। आने वाला 2-3 साल तक अब टाइम स्पीड डिस्टेंस इससे बाहर क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछने का औकात नहीं है, ठीक है, अब एग्जामिनर को ये पूछने का औकात नहीं इससे बाहर 2-3 साल तक, जब तक आप लोग बूढ़ा न जाइएगा मतलब एग्जाम के मुकाबले में। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 5 बजे चलती है और उसी दिन सुबह 9 बजे पहुंच जाती है, दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे स्टेशन बी से निकलती है और उसी दिन सुबह 10:30 बजे पहुंच जाती है, मिलेंगे कब, साला ना डिस्टेंस दिया हुआ है ना स्पीड दिया हुआ है, ना कुछ होने दिया नहीं, क्या करें, है ना, ना स्पीड है ना ट्रेन का कुछ है गति है, मिलेगा कब, टाइम निकालना है सर, डिस्टेंस का ठिकाने ना है, स्पीड का ठिकाने ना है, टाइम दिया है और टाइम पूछा है, ऐसे कैसे, है ना, टाइम दिया है और क्या पूछा है, टाइम पूछ दिया है, ऐसे कैसे सर, ये से कैसे ये बताएगा हमको किसी को भी, वाह शिवजन बोले क्या, ये तो सही है, काहे कि स्टेशन ए से स्टेशन बी जा रहा है मतलब सब सेम होगा ना, तब देखिए एक ट्रेन स्टेशन, निर्मल वो ब्लिंक कर रहा है आवाज वाला ब्लिंक कर रहा है ना, ठीक, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी चलती है, ठीक है, सुबह और उसी दिन सुबह 9 बजे पहुंच जाती है, यहां देखिए सब लोग, ये कितना बजे चलती है, सुबह 5 बजे चलती है, ठीक है ना, और कितना बजे पहुंच जाती है, 9 बजे पहुंच जाती है,
सर कितना घंटा चली है? 4 घंटा चली है, ठीक है। दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे स्टेशन बी से निकलती है, ये कितना बजे निकलता है? 7 बजे निकलती है, ठीक है। कितना बजे पहुंच जाती है? सर 10:30, 10:30 बजे पहुंच जाती है, ठीक है। ये कितना घंटा चला? 3.5 घंटा चला। 3.5 का मतलब कितना? 7/2, चलिए 3.5 रखते हैं, 3.5 घंटा, ठीक है। और इसको मूड करें तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, है ना, और 7/2, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। देखिए आगे क्या करना है। अब यहां से आप लोग को एज्यूम करना पड़ेगा, खुद से आप लोग को एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, अपने से खुद से मानना पड़ेगा आप लोग को। अब यहां पर क्या मानना है? सर आप लोग को चाहिए क्या? टाइम निकालने के लिए आप लोग को चाहिए डिस्टेंस और चाहिए दोनों का स्पीड, है ना। ना डिस्टेंस दिया हुआ ना स्पीड दिया हुआ है, खाली ये पता चल रहा है कि कितना घंटा में ये लोग क्या करता है, आपका तय करता है, ये दिया हुआ है ना। सर यहां से यहां तक, यहां से आपका यहां तक ये 4 घंटा में और यहां से यहां तक 3.5 घंटा में, ठीक है। तो तरीका बनाने का ये है कि 4 घंटा और 7 घंटा दोनों का एलसीएम को ही आप लोग क्या मान लेंगे? डिस्टेंस मान लेंगे। दोनों का एलसीएम को क्या मान लेंगे? डिस्टेंस मान लेंगे। सर एलसीएम को ही क्यों माने? आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम को ही क्यों माने? ताकि सॉल्यूशन शॉर्ट में हो, कट जाए, ठीक है। जैसे 4 और ये 3.5 मतलब 7/2, इसका एलसीएम होता है आपका 28, कितना होता है? 28। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 28 किलोमीटर, ठीक है। आप लोगों को बता चुके हैं कि 4 और 7, यहां देखिए 4 और 7/2 इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 28, और 1 और 2 का एचसीएफ हो जाएगा 1। तो एलसीएम कितना आ गया आपका? 28, मतलब दूरी कितना दिया हुआ है? 28 किलोमीटर, ठीक है। बस खाली यही एज्यूम करना था आप लोग को। नेक्स्ट, सर पहला व्यक्ति 5 बजे निकलता है और 9 बजे पहुंचता है 4 घंटा में, इसका मतलब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 28 किलोमीटर, कितना घंटा में जा रहा है? 4 घंटा में। इसका मतलब स्पीड कितना रहा होगा? 7 किलोमीटर/आवर रहा होगा, ठीक है। पहला व्यक्ति यही 28 किलोमीटर कितना घंटा में जा रहा है? 7/2 घंटा में जा रहा है। इसका मतलब 28/7/2, 2 जाएगा ऊपर, तो ये गया 4 बार में, 4 चौक 4 दूनी 28, सॉरी 8, कितना हो जाएगा? 8। ये 8 किलोमीटर/आवर, ये इसका स्पीड, डिस्टेंस दे दिया, स्पीड दे दिया, समझ में आया ये वाला, ठीक है, निकल गया। अब क्या करना है सो देखिए। दूसरी ट्रेन, सॉरी हाँ, बोला है कि मिलने का समय ज्ञात कीजिए, मिलने का समय, ये लोग मिला कब होगा बीच में? सर ये 5 से 9 चला है, ये 7 से 10 चला है, कहीं ना कहीं तो मिला होगा, है ना। सर अब समझिए, ये कितना बजे, वही थ्योरम लगाएंगे, डिस्टेंस दे दिया, सारा कुछ, स्पीड दे दिया, ये कितना बजे निकला? 5 बजे निकला। ये कितना बजे निकला? 7 बजे। इसका मतलब ये 2 घंटा एक्स्ट्रा चला है, 7 × 14, ठीक है, मतलब 2 घंटा, ये 14 किलोमीटर पहले ही चल चुका है ना, मतलब 7 बजे ये बंदा यहां पर होगा, 7 बजे यहां पर होगा ना, ये समझ में आ रहा है। तो अब यहां पर ये होगा, इसका स्पीड कितना है? 7 बजे इसका स्पीड कितना है आपका? 7 किलोमीटर/आवर इसका स्पीड है, और इसका स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर/आवर। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना रहा? 14 रहा ना दोनों के बीच डिस्टेंस। अब टाइम निकालना होगा, ठीक है। टाइम कैसे निकलेगा आपका? टाइम निकलेगा, डिस्टेंस कितना है? 14, दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना है? 8 और 7 15 है। ये सर कितना टाइम कितना में आएगा? आवर में आएगा। ये डिस्टेंस किस में है? किलोमीटर,
और स्पीड कितना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर गया आवर में आएगा, मतलब 14/15 क्या हो जाएगा आपका, 14/15 आपका आवर आएगा, ठीक है, 14/15 आवर, ठीक है। तो सर 14/15 आवर को मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया आपका 4, ठीक है, 14 × 4 = 56, ठीक है, मतलब 7 के बाद 56 मिनट के बाद ये लोग मिलेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 7/56, समझ में आया, सबको क्लियर है ये वाला, ठीक है। फाइनली ये चैप्टर आप लोग का हुआ मेरे तरफ से पूरा कंप्लीट, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये चैप्टर आप लोग का मेरे तरफ से पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। आखिरी जो क्वेश्चन है आप लोग का, ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला, ठीक है, एकदम डिटो सेम क्वेश्चन है, 10 बजे निकलता है, 3 बजे पहुंचता है, 11 बजे निकलता है, 6 बजे पहुंचता है, एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है, 10 से 3 आपका कितना 5 घंटा, 11 से 6 7 घंटा, 7 और 5 का एलसीएम 35 ले लीजिएगा, स्पीड निकाल लीजिएगा, एक करके आप लोग खुद से बना लीजिएगा, समझ में आया ये वाला, तो ये वाला एक बार आप लोग खुद से बना दीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। फाइनली आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, कितना नंबर क्वेश्चन तक, 47-45 नंबर क्वेश्चन तक, स्पीडवा देखते हैं, एक सप्ताह में आप लोग का 47-45 क्वेश्चन हो गया, किसका पीडीएफ ने कल क्वेश्चन पूरा भेजे थे ना आमिर, पूरा क्वेश्चन पीडीएफ भेज देंगे आज, ठीक, जितना भी क्वेश्चन है ना सारा हम पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है, कल आप लोगों को पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे, और आप लोग का फिर तो छुई हालते हैं, माता का पूजा का छुट्टी रहेगा ना, ठीक है, और आप लोग का चालू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, कौन चालू करें आप लोग का, ट्रेन अभी ना टाइम स्पीड डिस्टेंस करवा करवा के हम भी परेशान हो गए, एवरेज करवाएं, एवरेज करवाते हैं, बड़ा खतरनाक चैप्टर है एवरेज, हाँ क्या ची? इसका आंसर कितना आएगा 120, ठीक, कौन चैप्टर बोलते हैं, अच्छा वो खतरनाक चैप्टर करवाते हैं, ठीक, आप लोग का प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है ना, नहीं, हाँ।